आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां जो हो रही है उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती थी। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास फोर की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म हो रही होती जा रही है या कहिए हो गई है। तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। मैम, आपने जो नकुल भूमि विधेयक है उसको लेकर खुला विरोध किया था, आपने गैर जरूरी करार दिया उसे, और जो अधिकारियों ने सुझाव दिया है सरकार को उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी, तो किस तरह से आप आगे इस पर स्टैंड करेंगे? देखिए, नजूल भूमि से संबंधित जो विधेयक आया है, आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, वो सेलेक्ट कमेटी को जा चुका है। अब कमेटी उसको एग्जामिन करेगी, कमेटी की जो सिफारिशें होंगी वो भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो अपना दल का पक्ष है वो मैंने रख दिया है कि ये गैर जरूरी है, जन भावनाओं के खिलाफ। मुझे लगता है कि आपको पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोगों से जाकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग को लेकर उनका क्या अनुभव है और उनका उनको क्या इसमें अन्याय महसूस हो रहा है। आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको उनका वही पक्ष समझ में आएगा जो अपना दल कह रहा है।